वोट बैंक पॉलिटिक्स के खातर अगर हम सत्य को समझेंगे नहीं तो हम समस्या का समाधान भी नहीं खोल पाएंगे। क्या कारण था कि महात्मा गांधी ने बार बार कहा था कि हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कन्वर्जन के खिलाफ महात्मा गांधी ने आर्टिकल्स लिखे थे, जहां मौका पड़ा उन्होंने अपनी आवाज उठाई थी। क्या महात्मा गांधी की बात को हम मानेंगे कि नहीं मानेंगे? और किसी की माने या न माने, महात्मा गांधी की बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इतना ही सोचना है। और पंडित नेहरू के जमाने में इस देश में, मध्य प्रदेश में नियोगी कमीशन बैठा था धर्मांतरण के खिलाफ, और पहली बार हिंदुस्तान में अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में पंडित नेहरू के जमाने में कानून बने थे धर्मांतरण के खिलाफ, तब हम भाजपा वाले कहीं नहीं थे, आरएसएस बीएसपी बजरंग दल कहीं पर नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने अपनी राष्ट्रवाद की जो जिम्मेवारी है वो वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण डाइल्यूट कर दी है, और उसी का नतीजा है कि आज देश इस प्रकार की चीजों को भुगत रहा है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, महात्मा गांधी का कोट आपने लिया कन्वर्शन, लेकिन कन्वर्शन जो हुए हैं वो क्रिश्चियनिटी से भी या दूसरे धर्मों से हिंदू धर्म में भी किए जा रहे हैं, उसको क्या मानते, मध्य प्रदेश की बात हो या? मैं यही कहता हूं ना, किसी ने कन्वर्जन नहीं कहा है। अगर आप पुराने घर में वापिस आते हैं वो कन्वर्जन नहीं है, आप पुराने घर में वापिस कोई कन्वर्जन नहीं मानता है। लेकिन आप किसी व्यक्ति को विदेशी धन के मदद से, लोभ लालच भय के माध्यम से अगर बदलाव करते हैं तब संकट पैदा होता है। पुराने घर में लोग अपने जाते हैं, उसमें क्या है, वो तो नेचुरल प्रक्रिया है।